Hello, guys. Is the voice audible to everyone of you? Haan, ji, voice audible, hai, everyone? If the voice is properly audible to everyone of you, हेलो निकिता गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग ऑल यू गाइज आर वेलकम नमस्ते 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 परफेक्ट ठीक है तो वॉइस ऑडिबल है एक बार जल्दी से बता दीजिएगा क्विकली राइट परफेक्ट 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 थैंक यू थैंक यू सो मच निकिता थैंक यू सो मच तो इन टूडेज पर्टिकुलर सेन गाइज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन टूडेज पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू Uh, जो हम लोग पढ़ रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ठीक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हेलो अनामिका गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमस्ते 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 ऑल ऑफ यू गाइज आर वेलकम गाइज इन टूडेज सेशन वॉट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग दो चीज़ें करेंगे आज हम लोग सेक्शन नंबर जो हमारा थ्री है वहां से लेकर कवर करना शुरू करेंगे एंड लेट्स सी हाउ वी प्रोग्रेस इन एन आल राइट आई एम ऑल गुड अनामिका नमस्ते थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो डूइंग गुड सब लोग बढ़िया होंगे एकदम ठीक है तो उट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट विदर्टिकुलर से पहले अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दैनल इज वेल राइट ना लेट्स विद द फर्स्ट पर्टिकुलर थिंग अगर अपन आखिरी पर्टिकुलरली क्लास देखे वी आर वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द्लास तो हम लोग क्या देख रहे थे सेक्शन नंबर वन जो है वो हम लोगों ने देखा था इसे का यारे, और उसके पहले एक एक सिर्फ मैं बहुत जल्दी कि आप लोगों को एक basic revision देने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था ठीक है तो SRA को लेकर नाइनटीन पहले एक एक्ट आया पहली बार दैट इज एस आर करेक्ट बात है राइट right. ये जो है इसने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया इसने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया

इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस पर बेस्ड है ये भी हम लोगों ने देखा था अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पर्टिकुलर एस आर ए में जो रिलीफ्स बताए गए हैं वो कौन से पर्टिकुलरली रिलीफ्स हैं तो आपको याद रखना है दे आर इक्विटेबल रिलीफ्स कैसे रिलीफ्स हैं इक्विटेबल रिलीफ्स हैं ये भी हम लोगों ने देखा था डिसाइड दैट कि 1877 से लेकर हमें 1963 में ट्रांजिशन क्यों लेनी पड़ी वाई वी वॉन्टेड नमस्ते नमस्ते अनुराग नमस्ते हमें ट्रांजिशन क्यों लेनी पड़ी बिकॉज ऑफ नाइन्थ लॉ कमीशन रिपोर्ट राइट नाइन्थ लॉ कमीशन रिपोर्ट आती है राइट right? और इस नाइन्थ लॉ का लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की इस नाइन्थ लॉ कमीशन रिपोर्ट के चलते 1860 टू uh, 1873 के अंदर एवरी वन इज क्लियर राइट इसके बाद में 1972 में ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है और 1972 में पहली बार बिल लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में जाता है और फिर अल्टीमेटली प्रेसिडेंट इस पर हस्ताक्षर करके आपका जो बिल है वो लॉ बन जाता है गुड इवनिंग शालू thing, कि को कर, मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेसिफिक रिलीफ का पहले तो मतलब क्या है वॉट इज स्पेसिफिक रिलीफ ये भी अपन लोगों ने स्पेसिफिक रिलीफ आपका जो होता है करेक्ट बात है यानी कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलीफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलीफ इस एक्ट का उद्देश्य है कुछ सर्टेन तरीके की पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करना ठीक है ना एवरीवन दूसरी बात दूसरी बात यानी कि ये कंपेल करता है ये रिलीफ मांगकर आप कोर्ट आते हो और कोर्ट आकर ये रिलीफ मांगकर आप किसी पार्टी को कंपेल कर सकते हो द वेरी द वेरी वेरी पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए जो उनकी ऑब्लिगेशन थी वही ऑब्लिगेशन को क्या पूरा करवा सकते हो यस yes, यही काम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का यार बात अब मैंने आपको बताया लॉज जो होते हैं वो लॉ डिफाइन करते हैं कुछ लॉज होते हैं जो राइट्स डिटरमाइन करते हैं कुछ लॉज होते हैं जो प्रोसीजर डिटरमाइन करते हैं और कुछ लॉ होते हैं जो रिलीफ डिटरमाइन करते हैं SRE को अगर हम देखें तो एस एक ऐसा लॉ है जो कि सिर्फ डिटरमाइन करता है सो so, यानी कि अगर मैं SRE की बात करूं, it is a law which defines, which defines बात करूं, है, ये आपको प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है दिस लॉ प्रिस्क्राइब्स द रिलीफ इन यू कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो प्रोसीजर देते हैं कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं राइट्स को ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये रिलीफ प्रोवाइड कर बात दूसरी चीज नाउ वी मूव टू अनदर पर्टिकुलर पॉइंट हमने नेचर ऑफ एस भी देखा था कि एस का नेचर कैसा है तो अब मैंने जब नेचर बताया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का तो इट मींस पहली चीज एस जो है वो नॉन एग्जॉस्टिव है इट इज अन एग्जॉस्टिव एक्ट कंप्लीट एक्ट अपने आप में नहीं है यानी कि सारी की सारी रिलीफ नॉट ऑल रिलीफ इट प्रोवाइड सारी की सारी रिलीफ प्रोवाइड करता है क्या नहीं सारी की सारी रिलीफ नहीं सिर्फ कुछ प्रोवाइड करता है दूसरी चीज एस का जो 2018 अमेंडमेंट है एस में जो 2018 में अमेंडमेंट हुआ है इसके नेचर को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है इसकी एप्लीकेशन जो है वो कैसी है प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है इट right? इसका इफेक्ट जो है वो कैसा है 2018 की अमेंडमेंट का आपको पता है इसकी इन्फोर्समेंट डेट भी अपन लोगों को पता है इसकी इन्फोर्समेंट डेट थी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2018 दैट इज द दसमेंट डेट ऑफ एस और तीसरा पर्टिकुलर चीज जो एस एक एक्ट है ये सबस्टेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल इनैक्टमेंट है तो हमको याद रखना है दिस इज अ प्रोसीजरल इनैक्ट ये तीन बातें हमारे दिमाग में दिस वॉज नेचर ऑफ एस आर

तीसरे नंबर पर एक्ट नंबर क्या है इस एक्ट का ये एग्जाम में पूछा जाता है चौथे नंबर पर इसका प्रियम्बल या लॉन्ग टाइटल क्या कहता है वो भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर फिफ्थ पर्टिकुलर थिंग जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी जो अगली पर्टिकुलर चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वो है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं सारे में सिक्स पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ Chapters कितने हैं और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन पर्टिकुलर कितने स्केड्यूल्स हैं इन द ठीक है अब इनैक्टमेंट डेट जो है वो आपकी मिल जाएगी आपको थर्टींथ एक पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया कलरफुल बना देते हैं तो पहले अपन ने याद किया था

लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्लीज रिमेंबर द वर्ड सर्टिन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ नॉट ऑल काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ बट सर्टिन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ दिस इज द प्रियम्बल ऑफ रॉन्ग डाइट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे इसमें कितने पार्ट्स हैं थ्री पार्ट्स हैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं एट चैप्टर्स हैं टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं 42 सेक्शंस है 44 ओरिजिनली थे 43 एंड 44 जो हैं ये आपके रिपील हो गए हैं और इसी सेक्शन नंबर 44 से एक क्वेश्चन बनता है 44 ये कहता है रिपील ये बोलता है कि जो आपका एसआरए 1877 का एक्ट था इसको रिप्लेस किया है एसआरए 1963 ने कौन से रिपीलिंग एक्ट से ये पूछते हैं कौन से रिपीलिंग एक्ट से एसआरए जो है वो रिप्लेस हो गया 1877 to 1963. Then we remember, ये ये हो गया इस पर Clear? Of you, ये भी चीज़ हम लोगों ने के अंदर फॉर दिस ऑल्सो दीज आर ऑल पर्टिकुलर क्विक फैक्ट में आने के पहले पहले गाइस ये सारे के सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए नेचर स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब क्या होता है ऐसा कैसे आया how it came into picture. क्लियर बात राइट इसके बाद में हम लोग गए एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर वन सेक्शन नंबर वन क्या बात करता है इट स्पीक्स ऑफ शॉर्ट शॉर्ट टाइटल टाइटल देन यू हैव द द एक्सटेंट एंड लास्ट वन इज द दिन तीन चीजों की बात ये पर्टिकुलर लॉ करता है क्लियर शॉर्ट टाइटल इज द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कौन से ईयर होगा आपन को पता है 1963 का एक्ट है एक्सटेंड कहां पर है तो हमें पता है एक्सटेंड इसका होल ऑफ इंडिया है एंड द लास्ट थिंग इज लास्ट थिंग इज कि इसकी इंफोर्समेंट डेट कममेंसमेंट डेट बोले तो इंफोर्समेंट डेट एक ही बात है तो इंफोर्समेंट डेट क्या है हमारी 1st ऑफ मार्च 1st ऑफ मार्च 1964 इज द इंफोर्स दिस वाज सेक्शन नंबर 1 इन सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स यही हमारा सेक्शन नंबर 1 था एवरीवन तो आप हिंदी में पूछ रहे हो सर ये हिंदी में ही बता रहा हूं इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं हिंदी में नहीं समझाऊंगा अभी आप देखिए लॉ वाला राइट जब आप बैठोगे ना तो आपको समझ में आएगा मैं हर चीज को हिंदी में भी समझाता हूँ तो डोंट वरी अबाउट दैट राइट ये जो मैं पार्ट बता रहा हूँ ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ ठीक है कि शॉर्ट टाइटल जो है उसका नाम क्या है इस एक्ट का द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है एक्सटेंट इस ये पर्टिकुलर एक्ट का विस्तार कहां तक है विस्तार कहां तक है तो हमको पता है ये एक्ट जो है पूरे इंडिया पर लागू होता है और यानी कि हमारी enforcement date, कब से ये भारत वर्ष में लागू हुआ किस तिथि से तो फिर हम लोग सेक्शन नंबर टू के ऊपर भी आए सेक्शन नंबर टू जो है इट बेसिकली स्पीक्स हमें बात करता है हमारे ये बात करता है हमारे डेफिनेशन क्लॉज की राइट ये हमें definition provide करता है सेक्शन नंबर टू ऑफ ऐसा स्पेसिफिक रिलीव सेक्शन नंबर टू के अंदर हाउ मेनी डेफिनेशन आर देयर बेटा फाइव कितनी डेफिनेशन है पांच डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगी जो हम लोगों ने देखी थी टू क्लॉज ए में जो डेफिनेशन बताई गई है वो कौन सी डेफिनेशन है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन करेक्ट है ऑब्लिगेशन टू क्लॉज बी में जो डेफिनेशन बताई गई है वो कौन सी है सेटलमेंट की डेफिनेशन है करेक्ट है टू क्लॉज सी के अंदर जो डेफिनेशन बताई गई है वो क्या है ट्रस्ट की डेफिनेशन बताई गई है टू क्लॉज डी में जो डेफिनेशन बताई गई है वो किसकी डेफिनेशन बताई गई है ट्रस्टी की डेफिनेशन बताई गई है और टू क्लॉज ई एक रेसिडोरी प्रोविजन है जो ये कहता है जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज किए गए गए हैं एस आर में बट नॉट डिफाइंड एस आर ए में कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसे फ्रेजेस जो है एक्सप्रेशन जो है वो यूज किए गए हैं करेक्ट बात है बट उनका डिफाइन नहीं किया गया बट है तो वो अपनी मीनिंग कहां से डेराइव करेंगे वेयर दे आर गोइंग टू डेरा देयर मीनिंग तो ये अपने मीनिंग डेराइव करेंगे राइट राइट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां से इनका मीनिंग पता लगेगा उन वर्ड्स का जो एसआरए में यूज हुए हैं बट उनका पर्टिकुलरली मीनिंग नहीं दिया गया है अलग से एसआरए में कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं लेकिन उन्हें डिफाइन नहीं किया है तो वी विल डेराइव देयर मीनिंग फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्लियर बात है ये भी पर्टिकुलर चीज अब इंपॉर्टेंट बात जो जानने की है वो ये है सबसे पहले कि हम लोगों ने ये भी देखा था ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है एवरी ड्यूटी इनफोर्सिएबल बाय लॉ हर ड्यूटी जो कि इन्फोर्स कर दी जाएगी बाय लॉ उसको हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज ऑब्लिगेशन क्लियर यानी कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं और मैंने प्रॉमिस किया हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करने का तो ये मेरी लीगल ड्यूटी है ये मेरी लीगल ड्यूटी है टू सप्लाई हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन तो ये क्या हो गई ऑब्लिगेशन हो दूसरी चीज सेटलमेंट सेटलमेंट की बात करूं तो so सेटलमेंट क्या इंक्लूड करता है इट इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट इट इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट ये हर वो इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करता है जो इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं है विच इज नॉट अ विच इज नॉट विल और अ कोडिसिल हर वो इंस्ट्रूमेंट जो विल और कोडिसिल नहीं है जिससे डेवल्यूशन ऑफ डेवल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट सक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफ मूवेबल और अग्रीड टू बी डिस्पोज ऑफ उसको हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज वी कॉल इट एज सेटलमेंट करेक्ट इसका मतलब क्या बताया था मैंने बेसिकली ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे व्यक्ति का इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी क्या हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है बस दैट पर्टिकुलर चीज क्या कही जाएगी सेटलमेंट कहा जाएगा इन एस आर एवरी वन इज क्लियर हर वो इंस्ट्रूमेंट गुड इवनिंग नेहा गुड इवनिंग बेटा राइट right? हर वो पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे क्या हो सकता है कोई भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ये जो इंटरेस्ट है इन द प्रॉपर्टी कौन सी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेरा जो भी हित है अगर वो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा सकता है ट्रांसफर किया जा सकता है किसी और सक्सेसर को उसको मैं क्या बोलूंगा सेटलमेंट बोलूंगा लेकिन जो पर्टिकुलरली ट्रांसफर्स जो ट्रांसफर्स विल और कोडिसल से होते हैं उन्हें हम सेटलमेंट की परिभाषा में नहीं मानते वी डोंट कॉल इट एज सेटलमेंट टू क्लॉज बी बात ये भी चीज़ हम लोगों ने देखी थी दिस ऑल्सो वी क्लॉज सी ट्रस्ट की डेफिनेशन क्या बताई गई थी तो मैंने बोला था trust की definition, दो right. तो, trust का meaning वही है. इट हैज द सेम मीनिंग वही मीनिंग जो कहां बताया गया एज प्रोवाइडेड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन थ्री ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो भी ट्रस्ट का मीनिंग बताया गया है वही मीनिंग यहां पर भी एप्लीकेबल होगा एंड एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स इट ऑल्सो जो ट्रस्ट की डेफिनेशन है इट ऑल्सो इंक्लूड्स एवरी एवरी ऑब्लिगेशन इन नेचर ऑफ ट्रस्ट एवरी ऑब्लिगेशन इन नेचर ऑफ ट्रस्ट एज स्पेसिफाइड अंडर एज स्पेसिफाइड इन चैप्टर नंबर नाइन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट करेक्ट बात है

सेकेंड पर्टिकुलर डेफिनेशन आया बात समझ में सो so, ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ सेम एज सेम मीनिंग जो सेक्शन थ्री ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में सेम पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के चैप्टर नंबर नाइन में स्पेसिफाई की होगी वो ट्रस्ट की डेफिनेशन इसके बाद ट्रस्टी कौन पर्टिकुलर व्यक्ति होता है एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्ट हर वो व्यक्ति जो संपत्ति को होल्ड किया हुआ है इना ट्रस्ट उसको हम क्या बोलेंगे We call him as the trustee. उसको हम ठीक है? है? कौन होता है? अगर मेरे दादा जी ने कोई संपत्ति के education के लिए करने के लिए करने मुझे सौंपी है कि मैं संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ उनकी एजुकेशन के लिए करूं उस कम्युनिटी की तो मैं क्या हुआ ट्रस्टी हुआ मेरे को संपत्ति होल्ड करने के लिए दी गई है फॉर एवरी पर्सन हु प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्ट जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उसे हम ट्रस्ट क्लियर एवरी वन ऑफ यू ये भी चीज हम लोगों को दिमाग में टू क्लॉज दी पहले ही पता है अपन लोगों को जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन एस आर ए में यूज किए गए हैं बट डिफाइन नहीं किए गए उनका मीनिंग हम कहां से डराइव करेंगे वी आर गोइंग टू डेराइव देयर मीनिंग फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में बहुत सिंपल सा प्रोविजन क्लियर एवरी वन ऑफ यू फ्रॉम हियर वी कम टू अवर लेक्चर फॉर टूडे अब आता है हमारा आज का पर्टिकुलर लेक्चर ठीक है

एक्सेप्शन सिंपल सी लैंग्वेज में बोलू तो इसका मतलब क्या होता है एक्सेप्शन है कभी भी जब हम कहते हैं का मतलब क्या क्या होता है है अब इसका इसका क्या है? जरा समझिए ठीक है कि के जो प्रोविजन होते हैं ठीक है एस जो प्रोविजन है यानी कि जो बातें सेक्शन नंबर वन से लेकर फोर्टी टू में बोली गई हैं ठीक है उनका प्रभाव उनका प्रभाव या उनका इफेक्ट या उनका इफेक्ट ठीक है किन चीजों पर नहीं रहेगा किन किन चीजों पर नहीं रहेगा ये आपका सेविंग क्लॉज होता है यानी कि एस के प्रोविजंस किन बातों को प्रभावित नहीं करेंगे एस के प्रोविजंस जो हैं राइट किन किन बातों को प्रभावित नहीं करेंगे किन बातों को प्रभावित या अफेक्ट नहीं करेंगे Right. ये होता है सेविंग ठीक है अब अगर अपन इसका सेक्शन नंबर तीन देखें इफ वी लुक एट सेक्शन नंबर थ्री सेक्शन नंबर थ्री ऑफ ऑफ योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये कहता है ये जो के है, एक से लेकर बयालीस दो बातों को प्रभावित नहीं करेंगे दो बातों को प्रभावित नहीं करेंगे शैल नॉट अफेक्ट अगर मैं पहले नंबर पर बताऊं इट शैल नॉट अफेक्ट पहले नंबर पर क्या बोल रहे हैं कि, कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी रिलीफ मिल रही हो अगर किसी व्यक्ति को कोई भी रिलीफ मिल रही हो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी रिलीफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिल रही है तो क्या एस के प्रोविजंस इस व्यक्ति को वो रिलीफ क्लेम करने से रोक सकते हैं क्या अब जैसे कि सेक्शन नंबर टेन के अंदर यू हैव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है राइट यानी कि जब ब्रीच होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो आपके पास दो रेमेडी अवेलेबल है दो रेमेडी अवेलेबल है। या तो आप डैमेजेस क्लेम कर लीजिए या तो आप डैमेजेस क्लेम कर लीजिए अंडर सेक्शन 73 या सेक्शन नंबर 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनलिक्विडेटेड या लिक्विडेटेड डैमेजेस या फिर या फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर लीजिए सेक्शन 10 ऑफ एस आर ए का यानी कि जस्ट बिकॉज देयर इज अ सेक्शन 10 ऑफ एस आर ए एक सेक्शन नंबर टेन ऑफ एसारी रखा गया या नाइन टू ट्वेंटी फाइव जो चैप्टर चैप्टर रखा गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या वो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या वो किसी भी पर्टिकुलर वो चैप्टर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई रिलीफ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिल रही है वो क्लेम करने से रोक सकता है क्या क्लेम करने से रोक सकता है क्या जल्दी से बता दीजिए आंसर इज नो सेविंग क्लॉज यही होता है बात ऑफ यू कि के जो इट मतलब इस कॉल्ड सेविंग सेविंग क्लॉज क्लॉज मतलब एक्ट का ऑपरेशन किन कौन से पर नहीं होगा इस एक्ट का ऑपरेशन किधर नहीं होगा ये एक्ट किन बातों को प्रभावित नहीं करेगा तो ये एक्ट के में जो भी कहा गया है वो व्यक्ति को नहीं रोकता कोई भी रिलीफ क्लेम करने के लिए अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डैमेजेस की रिलीफ है सेक्शन 73 और, और 74 के अंदर तो अगर जिसको डैमेजेस डैमेजेस चाहिए वहां जाए क्या इस एक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट की रिलीफ़ का मतलब ये ये आप आप नहीं क्लेम क्लेम कर कर सकते हो, कर सकते हो 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 बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है कि कि वो करना करना चाहते हो ये करना चाहते सेकेंड पर्टिकुलर पार्ट एसआरए <SRI> का जो प्रोविजन है ये और किस बात को नहीं अफेक्ट करता है तो ये बोलता है इसकी ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो कि डॉक्यूमेंट्स पर एप्लीकेबल होता है correct बात है, उन पर भी के के नहीं करेंगे। के जो provisions होंगे, जो होंगे, होंगे, वो किसको अफेक्ट नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजन नॉट ऑन डॉक्यूमेंट्स मतलब अगर कोई भी बात एस में बताई गई है अगर वो पर्टिकुलर बात जो कही गई है और रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट से इनकंसिस्टेंट है तो पर्टिकुलरली क्या ऑपरेशन में रहेगा रजिस्ट्रेशन एक्ट आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी वन ऑफ यू तो ये सेविंग क्लॉज हमको ये बता रहा है कि एसआर के प्रोविजन की एप्लीकेशन दो चीजों पर नहीं है आपको दोनों के दोनों याद रखने prelims का सीधा सीधा क्वेश्चन वन किसी भी व्यक्ति को एस के एसआर नहीं रोकते कोई भी रिलीफ क्लेम करने के लिए अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहली पहला सेविंग क्लॉज और दूसरी बात एसआर के प्रोविजन किसी भी व्यक्ति को जो रजिस्ट्रेशन एक्ट नाइनटीन नॉट एट ऑन डॉक्यूमेंट्स पर जो प्रोविजन एप्लीकेबल है एस उन एन प्रोविजन का उल्लंघन नहीं कर सकते दैट इज द सेकेंड पॉइंट एवरी वन इज क्लियर कोई दिक्कत कोई डाउट वेरी सिंपली पुट सीधा सीधा आपका आंसर। कोई भी पूछे, क्योंकि बेटा अगर आप सेक्शन थ्री तो को देखो सेविंग क्लॉज इज नॉट द डायरेक्ट हेडिंग लेकिन ऐसा कई बार पूछते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेविंग क्लॉज कहां है सेक्शन तीन के अंदर सेविंग क्लॉज बोले तो हर एक्ट के लिए याद कर लो उस एक्ट का ऑपरेशन किन बातों पर नहीं होगा ये सेविंग क्लॉज है यानी कि इस एक्ट की किन बातों को नहीं प्रभावित करेगी किन एक्ट को नहीं प्रभावित करेगी तो ये दोनों लिख दिया आपको कोई कोई बड़ा सिंपल पॉइंट अब आता है एक सेक्शन सेक्शन नंबर फोर ठीक है सेक्शन नंबर फोर जो है वो क्या बात करता है वो भी देख लो सेक्शन नंबर फोर जो है वो क्या बात करता है वो भी देख लीजिए सेक्शन नंबर फोर जो है ये बोलता है स्पेसिफिक रिलीव जो है स्पेसिफिक रिलीव जो है राइट वो कहा ग्रांट की जाएगी स्पेसिफिक रिलीफ शैल बी ग्रांटेड शैल बी ग्रांटेड राइट टू इन्फोर्स इंडिविजुअल सिविल राइट्स टू इन्फोर्स इंडिविजुअल सिविल राइट्स बट नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉस ऐसे ही करके लिखा होगा टू इन्फोर्स इंडिविजुअल सिविल राइट बट नॉट फॉर इन्फोर्सिंग नॉट फॉर इनफोर्सिंग पीनल लॉस समझना बात को ठीक है मतलब क्या बोल रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है सेक्शन नंबर फोर के अंदर सेक्शन फोर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये कहता है अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ मांगने जा रहे हो तो वो सिर्फ किस चीज के लिए कोर्ट देंगे यानी कि कोर्ट्स के ऊपर सैंक्शन बता रहे हैं कोर्ट्स को गाइड कर रहे हैं किसको गाइड कर रहा है ये सेक्शन कोर्ट्स को कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति एक एक स्पेसिफिक रिलीफ मांगने के लिए आता है ठीक है ना तो आप स्पेसिफिक रिलीफ सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए ही दे सकते हो क्या इन्फोर्स कराने के लिए इंडिविजुअल सिविल राइट को अगर कोई व्यक्ति पीनल लॉस को इन्फोर्स कराने के लिए आता है और रिलीफ मांगता है तो क्या आप क्या आप ये रिलीफ दे सकते हो नहीं

अनामिका जो है अनुराग के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है एंटर्स कॉन्ट्रैक्ट विथ अनुराग ठीक है एवरी वन ऑफ यू जहां पर अनामिका ने अनुराग को प्रोमिस किया है किया है कि मैं आपको हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो डिलीवर करूंगी क्या डिलीवर करूंगी आई एम गोइंग टू डिलीवर यू हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन जो है मैं डिलीवर करूंगी अनामिका जो है ये प्रॉमिस परफॉर्म करने से क्या हो जाती है इन फेल हो जाती She fails to this promise. उसका promise है कि मैं हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो किसको करूंगी? अनुराग को डिलीवर करूंगी टेन के अंदर जाकर क्लेम कर सकता है क्या वो सूट लगा सकता है कि भैया इसको बोला जाए मुझे हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करने के लिए इसने मुझे जो वादा किया है वो वादा निभाना पड़ेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा रोके जमाना चाहे रोके खुदा ही तुमको आना पड़ेगा आना पड़ेगा यही लॉजिक है क्या नहीं मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मुझे तो वेरी रिस्पेक्टिव प्रॉमिस चाहिए जो आपने मुझे कहा था एवरीवन इज क्लियर आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था मुझे वही रिस्पेक्टिव प्रॉमिस चाहिए अब तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अनुराग सूट लगा रहा है अब कोर्ट्स क्या करेंगे दे विल बी गाइडेड बाय क्या उन्हें रिलीफ देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो सेक्शन फोर से गाइड हो रहे हैं। तो बोल रहे हैं कोर्ट इस सरकमस्टैंसेस में अगर ये रिलीफ देंगे तो वो सिर्फ किसे इन्फोर्स करने के लिए दे सकते हैं इंडिविजुअल सिविल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए क्या मैं कह सकता हूं एक सिविल राइट right यहां पर पर्टिकुलरली आ रहा है एक सिविल राइट right यहां पर राइट right अनुराग का है अनुराग का बन रहा है क्योंकि अनुराग को एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल करने की जिम्मेदारी अनामिका की है और राइट right अनुराग का हो गया कि उसे करेक्ट yes, no, बोल रहा हूं एवरी वन ऑफ यू अब जरा एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए सिर्फ कोर्ट वही रेमेडी स्पेसिफिक रिलीफ के तौर पर आपको देगा Which, जिससे व्यक्ति का क्या इन्फोर्स हो सकता है इंडिविजुअल सिविल राइट इन्फोर्स हो सकता है मतलब अब अगर ये पर्टिकुलर व्यक्ति के राइट right अफेक्ट नहीं होगा अगर कोर्ट ये रिलीफ देने से मना कर दे yeah. तो जहां पर व्यक्ति का इंडिविजुअल सिविल राइट जो है वो वायलेट होगा जैसे उसका सिविल राइट क्या है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की पूर्ति हो करेक्ट है दैट इज सिविल राइट इंडिविजुअल खुद का है तो क्या इस राइट right को इंफोर्स कोर्ट कर देगा

अगर आप मेरा फोन लौटाने से मुझे मना करते हो तो क्या मैं एक सूट लेकर आ सकता हूं मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए उसके पजेशन मेरे को वापस करो yes. ये क्या है ये पर्टिकुलरली मूवेबल प्रॉपर्टी का पजेशन मांगना क्या मेरा इंडिविजुअल सिविल राइट नहीं है इज इन दैट माई इंडिविजुअल सिविल राइट यस दैट इज माई इंडिविजुअल सिविल राइट अबाउट इट तो क्या इस राइट right को कोर्ट्स इनफोर्स करा सकता हूं मैं कोर्ट्स के थ्रू जाकर साहब मेरा एक सिविल राइट right है सामने वाला व्यक्ति मेरे इस राइट right का उल्लंघन कर रहा है प्लीज इनफोर्स करवाइए उसे कंपेल करिए इस राइट right को पूरा करने एवरीवन इज क्लियर आर वी गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट एवरीवन ऑफ यू यान एवरी एवरीवन तो स्पेसिफिक रिलीफ कोर्ट बेटा तभी ग्रांड करेगा कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ सिर्फ तभी ग्रांड करता है टू इनफोर्स इंडिविजुअल सिविल राइट अगर किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल सिविल राइट वायलेट हो रहा है उसे पर्टिकुलरली इन्फोर्स कराने के लिए ही अगर कोर्ट को दिखेगा ये रेमेडी से इंडिविजुअल सिविल राइट इन्फोर्स हो सकता है तो ही कोर्ट ग्रैंड करेगा नहीं ग्रैंड करेगा जैसे कि पिनल लॉस को इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो क्या कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करेगा नहीं एक एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड पीनल लॉस को क्यों नहीं कराया जा सकता लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज आरिया बात समझ में ऑफ यू लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अब मैं जरा तो एक सबको पहला बार पार्ट समझ में आया इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स कराने वाली बात जल्दी से बता दीजिए इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स कराने वाली बात समझ में आई कि नहीं है जल्दी से यस yes. अब अपन दूसरी बात पर चलते हैं पीनल लॉस को इन्फोर्स कराया जा सकता है क्या नहीं भैया तो इसका एक एग्जाम्पल देकर बात समझाओ तो तो हमें समझ में ठीक है एक एग्जाम्पल देकर बात समझाओ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इस क्लास में देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन एक पर्सन है शालू मैम ठीक है इस क्लास क्लास में एक पर्सन शालू मैम ठीक है और एक तरफ है विशाल भैया एक तरफ है शालू मैम और एक तरफ है विशाल भैया एक बात है एक दिन शालू मैम जो है विशाल भैया की इस बात से नाराज हो जाती है जब देखो तब रोज के रोज ये इंसान आकर क्लास लेता रहता है जब देखो कभी कभी स्पेशल क्लास, जब देखो देखो तब तब कभी 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 प्लस स्पेशल क्लास दिन भर यही चलाता रहता है जिंदगी बिल्कुल एकदम दिमाग खराब करके रख दिया है इस इनसे ऐसा पर्टिकुलरली कौन सोच रहा है ऐसा मान लो शालू मैम सोच तो एक दिन शालू मैम आती है और रोज तंग हो जाकर ये जो कनपट्टा है ये बढ़िया बेहतरीन से उसके मीनिंग हिंदी में देख लीजिए आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन हिंदी बलविंदर यह बात समझ में मैं बार बार ये वाली चीजों को नहीं दोहरांगा कि मैं बातों को हिंदी में भी समझा रहा हूं पास्तों में थोड़ी ना बोल रहा हूं भाई हिंदी में ही बोल रहा हूँ

कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को आप असोल्ट नहीं कर सकते क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं कर सकते सिंपल हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं कर सकते ऐसा करके बोला गया या नो? बोल बोला गया दैट इज वॉट आईपीसी आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है या सोरेनो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट बात को जरा ध्यान से सुनिए ठीक है टेके? अब इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टैंस इन दिस सर्कमस्टेंस क्या मैं कोर्ट से जाकर ये स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकता हूँ right? कनपट्टा दिया है तो मैं भी पर्टिकुलरली उनका कनपट्टा कैन आई बेसिकली आस्क फॉर इट यानी कि यानी कि मैं उस पिनल लॉ को इनफोर्स कराने के लिए भी क्या मैं पर्टिकुलरली कोर्ट आ सकता हूं नो आई कैन नॉट आप लोगों ने फ्रेज सुना होगा एन आई फॉर एन आई एंड आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड होल वर्ल्ड अगर हम आँख के बदले आँख मारने मांग, मारने अगर हम आँख के बदले आँख मांगने लग गए तो फिर इन दैट सिचुएशन क्या होगा पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी यसौरुलर स्टेटमेंट करेक्ट आरिया बात समझ में होल वर्ल्ड ब्लाइंड होल वर्ल्ड डस दिस डिस इन वेरी सिंपलेस्ट ऑफ पार्लेंस वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई पर्टिकुलर चीज कोई पर्टिकुलर चीज बोली गई है या उसे की गई है इन अंडर पीनल लॉ तो पीनल लॉ को इन्फोर्स कराना विल बी सुपर डिफिकल्ट इंडिविजुअल सिविल राइट्स को लेकर ही व्यक्ति के वेरी स्पेसिफिक सिविल राइट्स का जब उल्लंघन होगा तभी स्पेसिफिक रिलीफ दी जाएगी इन्फोर्स करने के लिए किसी पीनल लॉ को नहीं दी जाएगी इस पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या कराया जाए क्योंकि बिकॉज ही हैव स्लैप्ड मी सो आई प्लीज गिव मी अ स्पेसिफिक रिलीफ दैट आई शुड ऑल्सो स्लैप हिम बैक एज वेल पूरी दुनिया बिना दांतों की हो जाएगी बिल्कुल करेक्ट एवरी वन इज क्लियर अबाउट मैं ऐसा आपके साथ कभी नहीं करूंगी सर बड़े जो तुम ये बातें कह रहे हो मैं इस पर भरोसा करता हूं क्लियर एवरी वन ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग यानी कि द वेरी सिंपल नोशन टू अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर फोर इज दैट अगर किसी व्यक्ति का कोर्ट सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ कब ग्रैंड करेगा ये जो सेक्शन फोर है इसके बारे में एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो सेक्शन फोर बात किसकी तरफ से कर रहा है फॉर हु अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ किसके लिए बात कर रहा है बेटा स्पेसिफिक रिलीफ किसके लिए बात कर रहा है स्पेसिफिक रिलीफ सेक्शन फोर के अंदर दे आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कोर्ट्स कोर्ट्स को डायरेक्शन दे रहा है इट इज अ डायरेक्शन गिवन सेक्शन फोर जो है ये डायरेक्शन किसको दे रहा है ये डायरेक्शन वो कोर्ट्स को दे रहा है कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति स्पेसिफिक रिलीफ मांगने के लिए आए सेक्शन कह रहा है कोर्ट्स को ंग टू कोर्ट्स एंड इट इज स्टेटिंग दैट इफ एनी पर्सन कम्स एन फॉर स्पेसिफिक रिलीफ तो आप स्पेसिफिक रिलीफ तभी ग्रांट करिएगा सिर्फ तभी ग्रांट करिएगा शैल बी ग्रांटेड दीजिएगा कब टू इन्फोर्स इंडिविजुअल सिविल राइट्स जब व्यक्ति के इंडिविजुअल सिविल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो बट नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉस पीनल लॉस को पीनल लॉस को इन्फोर्स आप रिलीफ के माध्यम से नहीं करा सकते यह बात तो अगर किसी व्यक्ति की हो क्या उसका पोजेशन लौटवा सकते हो हाँ अगर किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो क्या पोजेशन वापस दिलवा सकते हो अगर वो व्यक्ति एंटाइटल्ड है हाँ दिलवा सकते हो अगर किसी व्यक्ति को किसी कॉन्ट्रैक्ट पर एक व्यक्ति ने कोई प्रॉमिस कर दिया तो क्या उस पर्टिकुलर व्यक्ति को द वेरी स्पेसिफिक प्रॉमिस अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म नहीं करके दे रहा है तो क्या दूसरे व्यक्ति को बाध्य कर सकते हो प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए यस yes, करके रख सकते हो अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के एजेंशियल टर्म्स को परफॉर्म नहीं करा रहा है कर रहा है तो क्या हम उसे परफॉर्म करवा सकते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं अगर मैं किसी लीगल कैरेक्टर या टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड हूं

निजी अधिकारों का हनन हो रहा हो जब व्यक्ति के निजी सिविल राइट्स का उल्लंघन हो रहा होगा इंडिविजुअल सिविल राइट्स का उल्लंघन हो रहा सिर्फ उसी उसी राइट को इन्फोर्स करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ कोर्ट इनफोर्स करेगा पीनल लॉस को अमल में लाने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ का काम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इन्फोर्समेंट नहीं हो अंडवरी वन ऑफ यू सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो सेक्शन नंबर वन टू फोर आर दे डन फॉर यू गाइस समझ में आ गए पूरे के पूरे इस सेक्शन नंबर वन टू फोर ऑल क्लियरड फॉर यू गाइस यस प्लीज जल्दी से बता दीजिए पक्की बात डन समझो एवरीवन ऑफ यू अब अगर ये पर्टिकुलर पार्ट क्लियर है तो लेट्स कम टू अवर फर्स्ट स्पेसिफिक रिलीफ अगर ये पूरी बात क्लियर है तो अब हम आ सकते हैं हमारी पहली स्पेसिफिक रिलीफ की तरफ पहली स्पेसिफिक रिलीफ की तरफ वी आर गोना एंड हमारी पहली जो स्पेसिफिक रिलीफ है वो बेसिकली है रिकवरी ऑफ पजेशन के बारे में रिकवरी ऑफ पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी करेक्ट बात है एवरी वन ऑफ यू अब रिकवरी ऑफ पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की जो रिलीफ है ये दो प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी ठीक है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी को लेकर दो सेक्शन हम लोग देखेंगे सेक्शन फाइव एंड सेक्शन नंबर सिक्स और मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी को लेकर हम लोग दो सेक्शन देखेंगे सेक्शन नंबर सेवन एंड सेक्शन नंबर एट टू सेक्शन एवरी वन इज केयर अबाउट दिस कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को बिल्कुल आराम आराम से जाएंगे कोई रन करने की जरूरत नहीं बट टारगेट इज दैट जितना आराम से करें कोई जल्दबाजी नहीं ठीक है लेकिन आपके जो भी मन में संकोच हो डाउट्स हो मुझे रोक कर आप बिल्कुल पूछ सकते हो जस्ट लेटिंग यू नो कि टेन सेकंड का रहता है YouTube में, तो सेकंड के बाद रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की ठीक है ना बेटा इमूबल प्रॉपर्टी की पहले बात करते हैं किसके बारे में रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की so, ठीक है अब सेक्शन फाइव क्या बोलता है जो पर्सन एनी इफ एनी पर्सन इज एंटाइटल्ड इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई भी व्यक्ति एंटाइटल्ड है टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी देन देन ही में रिकवर इट देन ही में रिकवर इट फिर वो उसका पोजेशन रिकवर कर सकता है बाई इंस्टीट्यूटिंग अट एवरी वन इज केवर देन ही में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सीपीसी ऐसे ही करके बोला गया यस yes, प्लीज ऐसे ही बोला गया होगा ये आपका सेक्शन यही है सेक्शन एवरी वन ऑफ यू बल प्र of of अगर मैं हेडिंग देखू इफ आई जस्ट लुक एट दाइव की रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ बस स्पेसिफिक अब जरा मतलब देखते हैं क्या मतलब है ठीक देखो बात हो रही है एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रॉपर्टी सेक्शन फाइव और सेक्शन सिक्स पहले ही दिमाग में लगा लीजिए ये जो दोनों के दोनों के सेक्शन होंगे नहीं नहीं। जब जब आठ की बात आएगी इनका सब्जेक्ट मैटर कौन सा है सिंपल तो सी बात फिक्स कर पहले अपने दिमाग में हमने सिंपल सी बात फिक्स कर ली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर है वो कौन सा है पांच और छह और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर है साथ और और आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी उसमें भी पहले सेक्शन फाइव को देखते हैं क्या बोलता है अगर मेरी एक पर्टिकुलर संपत्ति है स्पेसिफिक स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो डिस्टिंग्विश की जा सकती है वो प्रॉपर्टी जिसको लेकर मेरा नाम कहीं ना कहीं फिक्स्ड है एवरी इज किया वेरी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका डिटरमिनेशन किया जा सकता है जिसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है दूसरों से ये मतलब होता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सिर्फ मेरी है वेरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ फैन अब अगर मेरी उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति पजेशन बना लेता है अगर मेरी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई भी व्यक्ति पोजेशन बना लेता है तो क्या मैं एंटाइटल्ड हूं मैं एंटाइटल्ड हूं कैन आई रिकवर माय पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन द manner provided under a, under under CPC यानी कि मैं एक सूट फॉर सूट फॉर रिकवरी ऑफ पजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लगा सकता हूं CPC मुझे अलाउ करता है ये सूट लगाने के लिए CPC allow me to institute

मैं जो पर्टिकुलरली मेरी एक प्रॉपर्टी है देयर इज अ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ माइंड प्रॉपर्टी एक्स ये प्रॉपर्टी कहां पर सिचुएटेड है लेट्स कॉल इट दिस प्रॉपर्टी सिचुएटेड सिचुएटेड इन इंदौर इंदौर में situated. विशाल भैया जो हैं कुछ समय के लिए लंदन चले जाते हैं अपनी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने के लिए फॉर हिज मास्टर्स ऐसा मान लो विशाल भैया की एक संपत्ति है इंदौर में विशाल भैया ऑक्सफोर्ड चले जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए ठीक है

एज अ पर्सन हुइटल्ड टू द पोजेशन प्रॉपर्टी के इमूवेबल दल प्रज प्रॉपर्टीशन के लिए एंटाइटल कौन है विशाल भैया अब जब मैं वापस आता हूं तो लौट के देखता हूं दैट निकिता मेरी प्रॉपर्टी पर मजे में क्या बनाई हुई है पोजेशन बनाई हुई तो क्या मैं ये सूट लेकर आ सकता हूं उसके अगेंस्ट में टू गेट बैक माई द रिकवरी ऑफ माई पोजेशन ऑफ माई वेरी स्पेसिफिक इमोवेबल प्रॉपर्टी ये आ बात समझ में एवरी वन ऑफ यू तो इफ शी इफ शी कम्स अगर कोई भी व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी पोजेशन बनाए आपकी स्पेसिफिक इमोअल प्रॉपर्टी पर कोई भी व्यक्ति पोजेशन बनाए और उस पोजेशन के लिए वो व्यक्ति नहीं अगर बल्कि बशर्ते आप इंटाइटल्ड हो एम दन इज एंटाइटल फॉर इट तो क्या मेरा यह अधिकार नहीं बनता कि मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट एक सूट लगाकर इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सीपीसी सीपीसी मुझे सूट लगाने की अनुमति देता है उसके मुताबिक सूट लगाकर मैं पजेशन अपना वापस प्राप्त कर लू ये वन इज कियर आर यह बात समझ में अब इंपॉर्टेंट वर्ड जो देखने का है स्पेसिफिक तो समझ में आ गया द पर्टिकुलर रिमूवेबल प्रॉपर्टी जो सिर्फ मेरी है विच इज डिस्टिंग वर्ड हिस्ट वर्ड स्पेसिफिक हियर रेप्रेजेंट वॉट स्पेसिफिक का मतलब क्या है द पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर्टिकुलर रिमूवल प्रॉपर्टी या अगर मैं इन अदर वर्ड्स बोलू तो ऐसी प्रॉपर्टी जो डिस्टिंग्विश की जा सकती है किसी और व्यक्ति की संपत्ति से द प्रॉपर्टी विच कुड बी डिस्टिंग्विशल द प्रॉपर्टी विच कुड भी द प्रॉपर्टी विच कुड बी विच इज द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ माइंड वेरी क्लियर क्लियरली आइडेंटिफाइबल डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर पर्सन प्रॉपर्टी दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी

अब इसमें हमें सिर्फ एक वर्ड डिटरमाइन करना है ये क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफिक वर्ड समझ लिया प्रॉपर्टी समझ लिया समझ लिया ऑल ऑफ़ दिस सब प्रॉपर्टी के लिए सूट ही फाइल कर सकते हैं देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस एस आर ए बिकॉज द पॉइंट इज एस आर ए का जो सेक्शन नंबर फाइव है सेक्शन नंबर फाइव है वो सिर्फ एक डेकुलटरी प्रोविजन है सर ठीक है वो सिर्फ एक डेक्लेटरी प्रोविजन है अभी मैं आता हूं समीर इस पर अगर हम समझें कि सेक्शन फाइव हमें एक स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है तो वो नहीं है स्पेसिफिक रिलीफ इन रिलेशन टू रिमूवल प्रॉपर्टी सेक्शन सिक्स से प्रोवाइड हो रही है सेक्शन फाइव तो सिर्फ हमें डायरेक्ट कर रहा है कि आप सहारा ले लीजिए सीपीसी का सूट लगाने के लिए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जब हम उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए एक सूट सीपीसी से लगा सकते हैं तो सेक्शन की जरूरत क्या थी फिर वो कुछ नहीं कर रहा है वो अभी भी यही कह रहा है कि अगर आपको ये सूट लगाना है तो आप सीपीसी में जाइए करेक्ट है तो यानी कि सेक्शन फाइव एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या हमें सेक्शन फाइव कोई स्पेसिफिक रिलीफ देता है नहीं देता नहीं देता सिर्फ डायरेक्ट कर देता है कि अगर आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर कोई भी व्यक्ति रखे, रखे, कोई भी रखे, तो आप आप पर्टिकुलरली क्या कर लीजिए, उस पर्टिकुलर संपत्ति को क्लेम करने के लिए सीपीसी में चले जाइए और सूट लगा दीजिए बस यानी कि आप लोगों को नोट्स भी दिखाऊंगा सेक्शन नंबर फाइव जो है वो सिर्फ अगर मैं एक बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो एक डेक्लटरी एंड इनेबलिंग प्रोविजन

बट सेक्शन फाइव क्या हमें कोई स्पेसिफिक रिलीफ दे रहा है नहीं वो हमें सिर्फ गाइड कर रहा है कि आपकी संपत्ति पर अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति प्रॉपर्टी पर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति केस लगाएगा तो हम क्या करेंगे उसकी रिकवरी सीपीसी में जो तरीका बताया गया उसके माध्यम से की जा सकती है यानी कि एस सारे सिर्फ गाइड कर रहा है आपको इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन फाइव क्या अपने आप में कोई स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करता है नहीं अभी मैं पूरी की पूरी बातें बताऊंगा पहले मैं एक बार सेक्शन समझा लू ये सारी बातें आ रही हैं

वो व्यक्ति जो ओनर है करेक्ट बात है दूसरा नंबर दूसरे नंबर नम, पर जिस व्यक्ति के पास एक पजेसरी टाइटल दिया हुआ है पजेसरी टाइटल मतलब मे बी वो ओनर नहीं है मे बी वो व्यक्ति ओनर नहीं है लेकिन उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी पर निवास करने का अधिकार जो है या पजेशन बनाने का अधिकार सिर्फ मिला है जैसे कि लैंडलॉर्ड जो है लैंडलॉर्ड जो है जब अपने टेनेंट को अधिकार देते हैं तो प्रॉपर्टी में ओनर कौन है लैंडलॉर्ड ओनर है करेक्ट बात है लैंडलॉर्ड तो ओनर है लेकिन अगर मैं अपने पर्टिकुलरली को प्रॉपर्टी पर रहने का अधिकार दे रहा हूं तो वो टाइटल होल्ड वह अगर इस किराएदार को भी कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति व्यक्ति किराएदार भी कुछ दिनों के लिए जाता है और पाता है कि कोई और अदर व्यक्ति ने पोजेशन बना लिया तो क्या किराएदार भी बीइंग अ पर्सन एंटाइटल्ड सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है सेक्शन के अंदर यस आरिया बात समझ में

तो क्या बीइंग पर्सन एंटाइटल्ड टाइटल्ड व्यक्ति का मतलब समवन हु होल्ड द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी क्योंकि मैं ओनर हूं कागज पत्री पर सब पर नाम मेरा है आई होल्ड द ओनरशिप ऑफ द हाउस क्या मैं स्पेसिफिक इमूवल प्रॉपर्टी की के possession की रिकवरी मांगने आ सकता हूं बिकॉज आई एम एन पर्सन यस तो ओनर ऑलवेज हैव द राइट टू आस्क फॉर द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवल प्रॉपर्टी इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर आर वी गेटिंग दिस पॉइंट एवरी वन ऑफ यू तो जो व्यक्ति ओनर होगा वो व्यक्ति एंटाइटल्ड व्यक्ति है हां तो क्या वो अपने पोजेशन को प्राप्त कर सकता है अगर कोई और व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल मेरी एक प्रॉपर्टी है मेरी प्रॉपर्टी पर कुसुम जो है वो पोजेशन बना लेती है और कहती है मैं ओनर हूं तो क्या मैं ओनरशिप का सूट लगा सकता हूं सेक्शन फाइव के माध्यम से सीपीसी के अंदर यस आई कैन बिकॉज आई एम एन पर्सन फॉर द कोर्ट टू प्रूव वॉट आई हैव टू प्रूव सर आई एम द पर्सन एंटाइटल्ड नॉट द अदर पर्सन

वो पर्टिकुलर व्यक्ति भी केस लगा सकता है सेक्शन फाइव के अंदर मतलब सेक्शन फाइव के अंदर लगाने का मतलब क्या हो? कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिल रही है सेक्शन गाइड कर रहे है, कोई दिक्कत, कोई अब आती है दूसरी बात तो पर्सन यानी कि ओनर ऑर दू है मतलब अगर मान लेते हैं विशाल भैया की एक प्रॉपर्टी एक्स है इस प्रॉपर्टी एक्स को मैंने किराए पर दिया है राइट right? मैंने किराए पर रेंट पर इस पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी को दिया है ठीक है किसको दिया है समीर को दिया है आई हैव गिवन इट टू समीर करेक्ट बात है तो समीर क्या हो गया मेरा टेनेंट हो गया एवरीवन ऑफ यू समीर को क्या पजेसरी टाइटल है इस प्रॉपर्टी के ऊपर कैन आई कॉल दैट ही ओल्ड्स अ पजसेसरी टाइटल ओवर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यस ही हैव एवरीवन इज क्लियर नाउ इन दिस सिचुएशन अगर 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 समीर को कोई भी व्यक्ति इस प्रॉपर्टी से बेदखल करे या लेट्स कॉल इट लेट्स कॉल इट कि यहां पर डावर जी जो हैं हमारे जो डावर जी हैं करेक्ट है ये आकर इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं तो मुझे भी राइट है बीइंग द ओनर बीइंग द ओनर सेक्शन फाइव के अंदर बीइंग द ओनर आई एम ऑल्सो एंटाइटल एंड क्या समीर सर भी एंटाइटल्ड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन फाइव है प्रॉपर्टी टू ब्रिंग एन एक्शन इन द मैनर प्रोवाइडेड आर वी क्लियर अबाउट दिस कोई दिक्कत कोई डाउट जल्दी से बता दो एम आई क्लियर विथ यू गाइज एम आई क्लियर विथ एवरी वन ऑफ यू यस प्लीज कोई डाउट कोई दिक्कत किसी को भी

विशाल भैया को लोन की जरूरत है लेट्स कॉल इट ही नीड्स एन एजुकेशन लोन ठीक है एजुकेशन लोन की जरूरत है विशाल भैया एक बैंक के पास जाते हैं ही गोज टू बैंक के पास जाता हूँ और ये जो प्रॉपर्टी एक्स है इसका पजेशन किसको दे देता हूँ इसका पजेशन किसको दे देता हूँ बैंक को दे देता हूँ और बैंक से एक लोन लेता हूँ फॉर लेट्स कॉल इट थर्टी फाइव लाख पैंतीस लाख

अब मुझे एक बेसिक बात बताइए अगर बैंक के पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो बैंक को एक इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया इन द प्रॉपर्टी कैन आई कॉल इट एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बैंक बैंक का भी एक हित आ गया इन द प्रॉपर्टी यस अब बैंक को जब तक पूरा लोन का पैसा नहीं मिल जाता लोन का पैसा नहीं मिल जाता है तब तक इस प्रॉपर्टी एक्स जिसके विशाल भैया ओनर है उस प्रॉपर्टी में बैंक को भी एक हित हो गया यस yes. मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी का पोजेशन मैंने बैंक को दिया हुआ था बैंक को दिया हुआ था ठीक है ना अब अगर बैंक के पास से कोई भी व्यक्ति इस प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाता है लेट्स तो क्या बैंक द प्रॉपर्टी कैन आल्सो कम एंड फाइल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जल्दी से बता दीजिए क्या बैंक भी इन दिस सर्कमस्टैंड पर्टिकुलरली सकता है एवरी वन ऑफ यू जल्दी से बताओ बताइन दे आल्सो आस्क फॉर दोजेशन ऑफ स्पेसिफिक कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को yes, उनको मे बी बैंक इज नॉट दैंक क्या ओनर है नहीं लेकिन हमें पता है एंटाइटल्ड व्यक्ति वन हुज एंटाइटल टू द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी एंटाइटल हो सकता है और एंटाइटल हो सकता है जिसके पास कैन ही ऑफ पोजेशन ऑफ स्पेसिफिकोइंग टू आस्कट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सीपीसी वॉट इज द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सीपीसी सूट लगाइए सर सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ स्पेफिकॉपर्टी दैट इज इट एवरी वन इज क्लियर अब आती है दो तीन बातें तो ये एंटाइटल वर्ड भी समझ में आ गया स्पेसिफिक वर्ड भी समझ में आ गया एवरी वन ऑफ यू ये भी समझ में आ गया CPC में इन आपको सूट लगाना है इन द मैनर स्पेसिफिक इमोअल प्रॉपर्टी मे रिकवर द पोजेशन ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बाय इन द मैनर अंडर सी पीसी का मैनर क्या है सूट लगाकर प्रॉपर्टी प्राप्त कर लो पोजेशन दैट इज इट नाउ कम्स टू एवरीवन इज क्लियर यस प्लीज हाँ, बैंक के पास में टेंपरेरी पॉसेसरी टाइटल है अब लेट्स अंडरस्टैंड टू थिंग ठीक है ना अब जरा एक बात को समझिएगा क्या एंटाइटल्ड व्यक्ति जस्ट एंटाइटल्ड व्यक्ति के पास एंटाइटल्ड व्यक्ति के पास एक राइट दिया गया है सूट लगाने का सूट किस चीज का सूट लगाने का फॉर रिकवरी ऑफ पजेशन पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मतलब द वेरी पर्टिकुलर द प्रॉपर्टी विच इज आइडेंटिफाइबल ये जरूर लिखकर आना मेन्स में सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी तो एंटाइटल व्यक्ति कौन होता है द वन हु इज द ओनर एंड द वन हु हु वन हैज हुन टाइटल टू इट अब जरा एक बात सुनिए तो क्या यह व्यक्ति कभी भी केस लगा सकता है वेन एवर ही वॉन्ट्स एवरी वन ऑफ यू कभी भी केस लगा सकता है या उसको केस एक लिमिटेशन पीरियड के अंदर लगाना पड़ेगा okay, देखो. क्या देखो? बोलते हैं? अगर किसी भी व्यक्ति को सूट लगाना होता है तो देयर इज सेक्शन नंबर थ्री ऑफ लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर थ्री ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या बोलता है बेटा वो ये बोलता है कि कोई भी सूट कोई भी अपील और कोई भी एप्लीकेशन अगर आप सूट इंस्टीट्यूट करते हो अपील आप प्रिफर करते हो और एप्लीकेशन आप मेड करते हो तीन चीजें सूट आप इंस्टीट्यूट करते हो अपील आप प्रिफर करते हो एप्लीकेशन आपको लगानी है यू मेक एन एप्लीकेशन तो अगर सूट अपील और एप्लीकेशन आपको कब लगानी पड़ेगी विथ इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी कि जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर आपको समय दिया गया है उस समय के अधीन आपको सूट लगाना है यू हैव टू इंस्टीट्यूट यू हैव टू मेक एन अपील यू हैव टू प्रिफर एन अपील यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन विथ इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ दिमिटेशन अब हाउ यूर गोइंग टू डिटरमाइन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन पीछे एक स्केड्यूल दिया हुआ है करेक्ट बात है पीछे उसके एक स्केड्यूल दिया हुआ है देयर इज वन स्केड्यूल इन द लिमिटेशन एक्ट करेक्ट बात है उसमें क्लासिफिकेशन ऐसा है कि ए जो पर्टिकुलर पार्ट part है वो सूट्स की बात करता है और टाइम बताता है कुछ रिस्पेक्टिव सूट्स का बी जो पार्ट है वो आपको अपील के टाइम बताता है और तीसरे नंबर पर जो पार्ट है वो आपको एप्लीकेशंस के टाइम बताता है करेक्ट बोल रहा हूं एवरी ऑफ यू बस कुछ स्टूपिट जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ तभी भगने लगते हैं जैसे पर्टिकुलरली लिमिटेशन एक्ट की बात करनी शुरू कनेक्टेड जितना पढ़ोगे जितना ज्यादा पर्टिकुलरली चीजें समझोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी है ठीक बात है राइट right. तो जब आपका टीचर आपको धरातल से समझाए तो आपको भी धरातल से ही समझना है गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट राइट आर्य बात समझ में बिल्कुल नीचे से ट्राइकआउट ऑलवेज मेक श्योर दैट वेन यू लर्न ऑलवेज मेक श्योर गेट द प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग जो जो कोई बताए समझ में आ रही है यही आपको आगे लेकर जाए नाउ लिसन टू तो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन थ्री क्या बोलता है बेटा कोई भी सूट लगाना है कोई भी अपील प्रेफर करनी सूट इंस्टीट्यूट होता है अपील प्रेफर की जाती है एप्लीकेशन मेक की जाती है अपील कभी इंस्टीट्यूट नहीं बोलते हैं एप्लीकेशन कभी इंस्टीट्यूट नहीं बोलते हैं सूट कभी प्रेफर्ड नहीं बोलते हैं सूट कभी मेड नहीं बोलते हैं सूट इज इंस्टिट्यूटेड अपील इज प्रेफर्ड एप्लीकेशन इज मेड और कब लगानी है विद इन द प्रिस्क्राइबड पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिमिटेशन पीरियड कहां पर बताया गया पीछे एक स्केड्यूल है लिमिट किधर स्केड्यूल है इसके पीछे लिमिटेशन एक्ट में एक स्केड्यूल है उसमें सूट्स के लिए टाइम पीरियड अपील्स के लिए टाइम पीरियड और एप्लीकेशन के लिए टाइम पीरियड अगर उसी में इफ यू आर गोइंग टू लुक एक आप एंट्री नंबर देखोगे 64 तो आपको देखकर समझ में आएगा कि वहां पर 12 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड बताया गया अ पीरियड ऑफ 12 इयर्स मेंशन। यू अगर आप उस शेड्यूल को खोलोगे तो वहां पर बताया गया है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है कब्जा कर लेता है तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप एंटाइटल्ड हो और आप उसके लिए सूट क्लेम करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड होगा जिस दिन से उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर पजेशन बनाया है जिस दिन से उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर पजेशन बनाया है उस दिन से आपके पास में कितना टाइम है 12 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड टू क्लेम बैक योर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीवन ऑफ यू आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीवन ऑफ यू यानी कि हम पॉइंट तो बताने का है वो ये है कि जब आप सेक्शन नंबर फाइव ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आ रहे हो वो कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं बता रहा है वो आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आप CPC में सूट सी उस सूट को को लगाने का क्या कोई लिमिटेशन पीरियड है एंट्री एंट्री नंबर नंबर अगर मैं देखूं तो हमको बता रही है लिमिटेशन एक्ट के अंदर लिमिटेशन एक्ट की एंट्री नंबर एंट्री नंबर 64 को देखूं तो मुझे 12 साल का वक्त बता रही है बेटा बता रही है कि नहीं बता रही है

अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर लेने का और क्ले... सूट कौन लगाएगा वही व्यक्ति जो एंटाइटल्ड है टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मतलब व्यक्ति व्यक्ति कौन है या या तो ओनर या वो व्यक्ति जिसके पास आर वी गेटिंग दिस पर्टिकुलर ऑफ यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो सेक्शन नंबर फाइव के अंदर जब आप सीपीसी के माध्यम से कोई सूट लगाओगे तो सूट का लिमिटेशन पीरियड कितना होगा जस्ट रिमेंबर अकॉर्डिंग टू एंट्री नंबर जो है पीछे के में जो बताई गई है वो हमें बारह साल का समय बताती है कोई कोई दिक्कत अब आती कुछ और बातें विच वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई टॉकिंग अबाउट सेक्शन ठीक है अब सेक्शन नंबर फाइव जो है सेक्शन नंबर फाइव जो है राइट क्या ये एक डेक्लेटरी प्रोविजन है यह अपने आप में कोई स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करता है या अपने आप में कोई स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करता है नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि ये अगर आप प्रोविजन की लैंग्वेज देखोगे तो यह आपको डायरेक्ट कर रहा है कि अगर आपको कोई रिलीफ कोई रिलीफ क्लेम करनी है तो वो रिलीफ आपको ऐसा नहीं देता सी सी में जाइए लेने के लिए और टपीसी में कितने समय के भीतर आपको ये लीलीप लगानी पड़ेगी उसका पीरियड लिमिटेशन पीरियड जो है वो लिमिटेशन एक्ट 1963 की एंट्री नंबर 64 के अंदर बताया गया है द पीरियड इज 12 समझ में आया एवरीवन ऑफ यू यानी कि सेक्शन 5 का जो प्रोविजन है वो सिर्फ कैसा प्रोविजन माना जाता है बेटा डिक्लेरेटरी एंड इनेबलिंग प्रोविजन माना जाता है क्या बोलते हैं अपन इसको ये जरूर बींस के अंदर आपको लिखना है सिर्फ एक डेक्लेटरी और इनेबलिंग प्रोविजन है जो हमें डायरेक्ट कर रहा है कि अगर हमें कोई रिलीफ चाहिए तो उसके लिए एसआरए नहीं देगा हम सीपीसी से लेंगे और कितने लिमिटेशन पीरियड के अंदर एंट्री 64 फोर ऑफ लिमिटेशन एक्ट में जो पीछे है है उसमें बताया गया है, 12. That is, किस दिन से? 12 years का period, जिस दिन से से का जिस दूसरे पर्टिकुलर पार्टी आर वी क्लियर अबाउट दैट एवरी वन ऑफ यूरन कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को एवरी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रीड दिस विथ नोट्स ऑल्सो थोड़ा सा इस बात को जरा नोट्स नोट में जानते हैं मैं अज्यूम कर रहा हूं आप लोगों को दिख रहा होगा अगर यहां नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है थोड़ा यहां पर इज इट क्लियर विद एवरी वन क्या ये प्रॉपरली नोट्स दिख रहे हैं सब लोगों को नहीं दिख रहे हैं तो मैं इसे दूसरी पर्टिकुलर ऐप में पर्टिकुलरली डाल सकता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं है इज इट प्रॉपरली 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 अवेलेबल अर आ रही है बात समझ में येस yes, प्लीज नहीं दिख रहे होंगे शायद एक मिनट रुकिए आई विल जस्ट आई विल जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर नोट्स एक मिनट रुकिए

Yes, please. Properly दिख रहा है। और जूम करना है और जूम भी कर लेते नहीं वैसे इतना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फटने। चलिए। अब ज़रा बहुत ध्यान से सुनिए नाउ लिसन टू दिस तो नहा कोई नुकसान अब जरा इंपॉर्टेंट चीज सुन ठीक है ना अब ये नोट्स हैं। यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट अब जरा देखिए सेक्शन फाइव ऑफ द ए कैसा प्रोविजन है सिर्फ एक डेक्लेटरी और एक इनेबलिंग प्रोविजन है क्या मायना होता है एक डेक्लेटरी और इनेबलिंग प्रोविजन का जो सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज क्या कर रहा हो डिक्लेयर कर रहा हो यानी कि अपने आप में कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर रहा सिर्फ डेक्लेन दे रहा है और इट एक्ट एज अ गाइड इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब क्या है जो आपको इनेबल कर रहा है यानी कि आपको गाइड कर रहा है कि अगर आपको ये रिलीफ चाहिए फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी और अगर आप एक एंटाइटल्ड पर्सन हो तो आप सीपीसी में जाकर इस रिलीफ को ले सकते हो मतलब ये सेक्शन अपने आप में सिर्फ आपको इनेबल कर रहा है गाइड कर रहा है और डिक्लेयर कर रहा है कि रिलीफ हम नहीं देंगे ये रिलीफ सीपीसी so में कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं देता प्लीज फर्स्ट एड आर वी क्लियर विद एवरी वन ऑफ यू नहीं बेटा ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है दिस इज माई माइंड स्टूडेंट्स हैंडराइटिंग है ना ये मेरी बच्ची की जो मेरी स्टूडेंट है उसकी हैंडराइटिंग ठीक है एवरी वन इज क्लियर कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को यस yes? क्लियर अब दूसरी पर्टिकुलर चीज देख ओनरशिप यानी कि व्यक्ति के पास एंटाइटल्ड पर्सन कौन सा होगा एवरी वन ऑफ यू वो व्यक्ति होगा जिसके पास राइट ऑफ पोजेशन है अबाउट इट ओनरशिप है पहली चीज क्या बता रहे हैं अब बता रहे हैं वो व्यक्ति एंटाइटल्ड व्यक्ति कौन माना जाएगा Who is going to be an entitled person? तो बोल रहे हैं right यानी कि का अधिकार लोगों के पास दो तरीके से आ सकता है या तो ओनरशिप के माध्यम से आ, आ सकता है या फिर किसी अदर पजेसरी टाइटल के माध्यम से यह अधिकार आ सकता है ठीक है अगर वो व्यक्ति खुद इफ वो व्यक्ति खुद एक ओनर है

The right yes. क्योंकि आप ओनर हो तो आपके पास में ऑटोमेटिकली राइट टू पोजेशन होगा क्लियर है एंड इफ इज नॉट और अगर वो नहीं है और अगर वो एक ओनर नहीं है ठीक है देन किसी और लीगल प्रोसेस के माध्यम से ही माइट है राइट टू प्रोसेस

जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने घर में हूं ये प्रॉपर्टी पर तू मैनेज कर मरने के बाद ये प्रॉपर्टी पूरी तेरी है क्लियर बात है तो क्या उस बच्ची के पास मेरे पास में मेरी नानी माँ के थ्रू क्या मुझे पजेसरी टाइटल फिलहाल आ गया यस yes. और वही ओनरशिप टाइटल कब आ जाएगा जब मेरी नानी माँ मर जाएगी एवरी इज क्लियर अबाउट दिस आर वी क्लियर अबाउट दिस कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को यस और नो आगे की तरफ आते हैं Let's move to the next particular point. अब अगर मैं सूट की बात करूं, under section 5 of SRA, तो मुझे इसे कौन से आर्टिकल के साथ पढ़ना है? आर्टिकल नंबर एक्ट आर्टिकल पैंसठ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के साथ जो हमें क्या बता रहा है बारह साल का लिमिटेशन पीरियड बता रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन वेन पोजेसर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी वेन द पोजेशन ऑफ इमो प्रॉपर्टी बिकम एडवर्स एज अगेंट द्लेंट क्या हुआ आप आर्टिकल right, सकते हो आप ये कह सकते हो कि जो व्यक्ति को भी सूट लगाना है तो लिमिटेशन पीरियड कितना बताया गया है बारह साल का लिमिटेशन पीरियड बताया हुआ है वो व्यक्ति जिसे सूट लगाना हो फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमोल्वर्टी इस दिन से जब ये जो पर्टिकुलर राइट right है जो मेरा राइट है उस राइट पर कब्जा कौन कर लेता है वो दूसरा व्यक्ति पोजेशन बना उस दिन से करेक्ट बात है तो जिस दिन से वो व्यक्ति जिसके पास अधिकार नहीं है वो व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा बना लेगा उस दिन से क्या मैं एंटाइटल्ड हो जाता हूं अपना पोजेशन क्लेम करने के लिए 12 साल के अंदर सूट लगाकर यस आई कैन कम आर वी क्लियर विदिंग कोई दिक्कत अगेन को। और आगे क्या बताया गया लिमिटेशन पीरियड हो गया Entitled word का मतलब देख लिया, clear बात है, और यह बता दिया कि सेक्शन फाइव का नेचर क्या है सिर्फ declaratory और enable, enabling provision है, कोई अपने आप में स्पेसिफिक रिलीफ नहीं बताता ठीक है आगे की तरफ आइए वेन एवर इज फाइल अंडर सेक्शन limitation ऑफ plaintiff को अपना पर्टिकुलर क्लेम जो है he has to claim his

अगर डिपेंडेंट ओनर है तो वो भी अपने टाइटल की बात यहां पर रख सकते बात है। अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं अगर ओनरशिप को लेकर टाइटल को लेकर कभी भी कोई डिस्प्यूट आए ओनरशिप को लेकर कोई डिस्प्यूट आए टाइटल को लेकर कोई डिस्प्यूट आए तो इसकी लड़ाई कहां लड़ी जाती है इसकी लड़ाई सेक्शन नंबर फाइव आपको कह रहा है सी, सी के माध्यम से एवरी वन ऑफ यू यानी कि यानी कि भैया आर वेरी हॉनेस्ट प्लस में और वाई पर सेम ही पढ़ाते हैं कुछ नहीं छोड़ते थैंक यू सो मच डावर साहब थैंक यू सो मच यस एवरी वन इज क्लियर कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को एवरी वन ऑफ यू बट सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमको अगर हमको किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी क्लेम करनी है ठीक है ना तो वो प्रॉपर्टी कैसे क्लेम करेगा अगर वो एंटाइटल्ड है To the of 5 में जो डिस्प्यूट होते हैं, वो हो. कैसे होते हैं समझ में आया? अगर मेरी संपत्ति पर कोई व्यक्ति ने पोजेशन बना लिया तो मैं अपना टाइटल प्रूफ कर रहा हूँ क्या प्रूफ कर रहा हूँ टाइटल प्रूफ कर रहा हूँ वो टाइटल कैसे टाइटल प्रूफ करके मैं अपना पोजेशन वापस मांग रहा हूँ या तो मैं अपना ओनरशिप टाइटल दिखा रहा हूँ या मैं अपना पजेसरी टाइटल दिखा रहा हूं करेक्ट है या तो मैं ओनरशिप टाइटल दिखा रहा हूं या पजेसरी यानी कि प्रूफ करने का तरीका क्या होगा अपना टाइटल दिखा दिखाकर आर वी क्लियर अबाउट दिस सिंपल सी लैंग्वेज में इन सिंपल वे दिस वॉज सेक्शन नंबर फाइव फॉर एवरी वन ठीक है एवरी वन इज क्लियर यस प्लीज कोई दिक्कत कोई डाउट आज की क्लास के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं आप लोगों को एक बेहतरीन लेक्चर समझ में आया होगा ए इज एवरी वन क्लियर अबाउट दिस कोई दिक्कत कोई भी डाउट एवरी वन मजेदार लगा डिड यू एंजॉय एक एक वर्ड की क्लैरिटी विल हैपन इन माई क्लास दैट आई कैन अशोर यू ऑन दैट ये बच्चे जो हैं आप इनसे पूछ सकते हो एक एक सिंगल वर्ड की क्लैरिटी इज गोइंग टू हैपन इफ यू आर गोइंग टू अटेंड माई क्लासेज करेक्ट बात है एवरी वन ऑफ यू चिंता ही मत करिएगा अगर कभी तैयारी करनी हो या कभी करनी हो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू एंड इन्फॉर्म यू रिलेटिंग टू दिस बिकॉज बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच एफर्ट वी नीड टू पुट एंड वॉट शैल बी द वे अब आपने अगर ये पढ़ लिया है तो अब आपके पास एक मीन्स का ढांचा भी रेडी है सेक्शन फाइव भी पता है एग्जाम्पल्स भी पता है यस देर आर फ्यू केसेज ऑल्सो विच यू कैन इनको बिल्कुल समीर यस yes.

वो ऐसा नहीं कह रहा है कि जो व्यक्ति के पास सिर्फ पजेसरी टाइटल होगा या ओनरशिप टाइटल होगा वो बोल रहा है हर वो व्यक्ति जो एंटाइटल्ड होगा जिसके पास टाइटल होगा और टाइटल दो तरीके के होते हैं ओनरशिप टाइटल है पजेसरी टाइटल है जिस भी व्यक्ति के पास वो आकर सेक्शन फाइव के अंदर टाइटल के बेसिस पर सूट जो है वो लगा सकता अज्यूम कर रहा हूं क्लियर है समझ ठीक है एवरी

नाउ कम्स द सेकेंड पर्टिकुलर थिंग अगर आप में से कोई भी लोगों को जिनको सेशन अच्छा लगा है प्लीज सेशन को लाइक like करना चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और ऐसे सेशन जो भी हैं वो आप लोगों के मिस आउट ना हो देट इज समथिंग विच आई वुड वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड दूसरी चीज़ अगर आप में से किसी भी लोगों को ये नोट्स वगैरह चाहिए इफ़ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट द नोट्स आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं ये पर्टिकुलर मेरा टेलीग्राम ग्रुप वॉट एवर आई हैव टॉट दैट विल बी अपलोडेड ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम अगर किसी भी व्यक्ति को जो पर्टिकुलरली नोट्स वगैरह चाहिए नहीं पता है कि हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट राइट कैसे हम लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं so you know आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो वेरी यस yes. यहां पर अगर आप जाओगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो करेंट वीडियो अपना चल रहा है The video which is going on, जो हमारा हमारा, चल रहा है, है, है? है, इसी के के अंदर अंदर ये ये ठीक इस आपको मेरा special class है जो फ्री होता है हमारा स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म तो आप इसपे क्लिक करके हमारे स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म को दे सकते हो मैं अभी बताता हूँ और एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो इस पे तो इस पे क्लिक करके यू गाइस कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप और जो भी पर्टिकुलरली आपको नोट्स वगैरह की जरूरत है या मेरे जो लिंक्स मेरे अपकमिंग सेशंस जो सब आने वाले हैं दे आर ऑल गोइंग टू बी क्लियर बात है एवरीवन ऑफ यू अब इसके बाद की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं देन आई विल मूव टू फ्यू मोर पर्टिकुलर फैक्टर्स हां जी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई आल्सो वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट माय स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म हमारा स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म है गाइस अगर आप में से कोई भी लोग जो हैं यहाँ से क्लिक करके इफ यू गाइस कैन सी फॉलो विशाल सिंह ऑन अन अकेडमी इस पर आप क्लिक करके मुझे देख सकते हैं राइट right? um, अगर आप लोगों ने देखा होगा सो आई हैव बीन प्रमोटेड विथ द स्टार राइट मुझे यहाँ kind of पर स्टार रेटिंग मिल गई है इट्स ऑल हैव है एक अभी मुझे लगभग नौ दस महीने अब यहाँ पर हो गए हैं एंड बहुत बहुत सारा प्यार आप लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है सो एज यू गाइज कैन सी राइट यहाँ पर मेरे वन वन मिलियन वॉच मिनट्स हैं ठीक है सो दैट हैव ऑल्सो हैव बिकॉज़ अगर आप लोग वो सेशंस नहीं देखते तो वो कभी भी वॉच मिनट्स नहीं होते सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट फॉर लाइक यू नो हेल्पिंग मी अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग और भी मेहनत करूंगा और भी प्रयास करूंगा टू गिव बेस्ट कॉन्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज राइट और आप में से बहुत सारे लोग मेरे बैचेस में भी जुड़ रहे हो सो थैंक यू सो मच कि आपको इतना अच्छा लगता है और आप उसको इतना पॉजिटिवली दूसरे बच्चों को भी कम्युनिकेट करते हो uh, कि हाउ हाउ अवर क्लासेस यूजुअली गो सो थैंक यू सो मच दिस रियली मीन्स लॉट क्योंकि मुझे हर दिन क्वेरीज आती रहती हैं कोई ना कोई मुझे बताता रहता है कि uh, भैया हमको उन्होंने आपका नंबर दिया है एंड लाइक यू नो

स्टार्ट होने वाला है फिफ्टीन मंथ्स इसकी ड्यूरेशन अगर आप में से कोई भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माय रेफरल कोड सिंह विशाल सिंह विशाल का रेफरल कोड यूज कर बात है सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इस पर्टिकुलर बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो अब इस पर यह बात आपका क्वेश्चन हो सकता है कि विशाल भैया वी वॉन्ट टू ज्वाइन योर बैच हमें आपका बैच ज्वाइन करना है तो आपका बैच जो है क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं यस yes. आई हैव रणभूमि का मेरा बैचेस चल रहे रणभूमि बैच right? जो है वो मेरा चल रहा है ठीक है इसके अलावा राजस्थान जुडिशरी बैच हम लोग लेकर आए हैं जो भी मेरे हैं, guys, all, all आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो इफ यू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर स्टेट आप स्टिल मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो एनी पर्टिकुलर स्टेट यू बिलोंग टू इन बैचेस को ज्वाइन करने के अलावा भी आपको सारे बैचेस की एक्सेस होती तो अगर आप अगर आप अनिल खन्ना सर का भी बैच ज्वाइन करते हो देन यू हैव रिकॉर्ड टू माई बैचेसुख बैचेस तो आपके बैचेस में हमेशा आपके पास में क्या रहेगी यू विल ऑलवेज हैव दैट फीजिबिलिटी दैट इज वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट ऑफ एनअमी आपके पास यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस होती है कितने भी बैचेस को कितनी भी क्लासेस को आप अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज रिमेंबर माई रेफरल कोड दैट इज सिंग विशाल और अगर आप में से कोई भी लोग ज्वाइन करना चाहो इफ एनी वन ऑफ यू एवर वॉन्ट्स टू ज्वाइन तो एट द रेट विशाल वन वन जीरो सेवन थ्री जीरो आप लोग मुझे यहां पर एक टेलीग्राम कर सकते हो यू कैन जस्ट टेलीग्राम मी विशाल भैया दैट वी आर इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर बैच और प्लीज हेल्प अस एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर बैच क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली खुद ओवर अ कॉल ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दू सो डोंट इवन नीड टू वरी अबाउट डर थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच मीन एंड लास्ट में राइट अनअकेडमी स्टोर पर एम पी सीजे के मेन्स बैच भी चल रहा है अगर आप में से कोई भी लोग एम पी सीजे का मेन्स बैच हमारा देखना चाहते हैं सिर्फ नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन में आप ये बैच जो है वो अवेल कर सकते हो यहां से आप स्कैन करके फ्रॉम हियर यू गाइस कैन स्कैन एंड यू कैन परचेज दोस पर्टिकुलर प्रोसेस हमारी जो सब्सक्रिप्शन फीचर्स है वो ट्वेंटी मिलेगी अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डिंग आपको मिलते हैं और एक्सेस टू ऑल बैचेस एक सब्सक्रिप्शन से आप सारे बैचेस सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज आपको मिलती है यूट्यूब सेशंस आपको मिलते हैं रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज और इन डेप्थ नोट्स

टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेन टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल एंड कीप ऑन सर्विंग फॉर ह्यूमैनिटी राइट एंड मेक श्योर टू स्टे हेल्दी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर सेल बाय बाय प्लीज डू लाइक द सेशन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द पर्टिकुलर चैनल